हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय यादव और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल विनय LLB में। आज हम चर्चा करेंगे अनमैच कपल्स के बारे में। अक्सर आपने ये सुना होगा कि पुलिस अनमैच कपल्स को होटल में रंग लिया मनाते हुए पकड़ती है। पुलिस इनको पकड़ती है, ये सही है या गलत, और इनके लीगल राइट्स क्या हैं अनमैच कपल्स के लिए, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से जीने का अपनी मर्जी से पूरा अधिकार है। वह कैसे भी खा सकता है, पी सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसके लिए ये पूरा अधिकार है अनुच्छेद 21 के अनुसार। अब बात आती है होटल की, अनमैच कपल्स के होटल बुक करने की और उनको रुकने की। देखिए, अगर कोई भी लड़का या लड़की, दोनों लोग 18 साल से ऊपर हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए मना नहीं किया जा सकता कि वह होटल बुक नहीं करें। उन अगर 18 साल से दोनों लोग ऊपर हैं तो वो दोनों एक साथ होटल बुक कर सकते हैं और अपनी सहमति के साथ सेक्स भी कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ कपल्स के लिए जानकारी नहीं होती है और वो डरते हैं कि अगर हम होटल बुक करते हैं तो हमें कहीं पुलिस परेशान ना करें। देखिए, आप जो भी काम करें वो लीगल होके करें। लीगल का मतलब है, अगर आपका 18 साल से ऊपर एज है दोनों का, तो आप होटल जाएं और आप आराम से रुक सकते हैं। लेकिन अब बस आपके पास एक वैलिड आईडी होनी चाहिए जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो 18 साल से ऊपर की हो, 18 साल आपको दिखाता हो कि 18 साल आप पूरे हो गए हो, ठीक है। अब बात आती है पुलिस की। पुलिस के भी देखिए, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आप होटल में रुके हुए हैं और आपने अपनी आईडी भी होटल वालों के पास जमा कर रखी है, आपके पास वैलिड आईडी भी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर उसके बाद भी पुलिस आपको परेशान करती है तो आप अपनी एक रिटन कंप्लेंट बना के उस पुलिस वाले के खिलाफ, जो भी आपको परेशान कर रहा है, पूरी जो भी बात है लिख के एक एप्लीकेशन बना के उनके जो अधिकारी होते हैं SSP, सबसे बड़ा अधिकारी उनका SSP होता है, आप उनके पास जा सकते हैं और उनके सामने अपनी पूरी बात रख सकते हैं जिससे उन पर कार्रवाई हो सके। कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो रिश्वत की मांग करते हैं, आपको डराते हैं, घर वालों की धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी बात घर पर कह देंगे, फ़ोन नंबर मांगते हैं, इस तरह से परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये आपको तब करना है, क्योंकि रिसेंटली अभी एक साल पहले की बात है, गुड़गांव में ऐसे केस हुआ था कपल से, तो कुछ पुलिस वालों ने एक दो कांस्टेबल ने उनको परेशान किया, जबकि वो लीगल तौर पे बिल्कुल सही थे, 18 साल से ऊपर भी था और होटल में रुके हुए थे, उसके बाद भी उन पुलिस वालों ने उनको परेशान किया, रिश्वत की मांग की, तो उन्होंने एक रिटर्न में कंप्लेंट बना के एप्लीकेशन उनके जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है SSP, उनके सामने पेश हो गए और अपनी पूरी बात बताई और SSP ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात आती है पुलिस जो है होटल में छापा क्यों मारती है। बीच बीच में आपने सुना होगा छापा मारती है, इसको पकड़ा या उसको पकड़ा, आप सुनते होंगे, इस वजह से लोग कपल्स बहुत डरते हैं। देखिए, कपल्स के लिए जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया, 18 साल से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए, लड़का और लड़की हो तभी आप होटल में रुक सकते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में तो नहीं, लेकिन हाँ, इंडिया में तो आप आराम से रुक सकते हैं, दुनिया की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इंडिया में आप 18 साल से ऊपर के किसी होटल में रुक सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस छापा इसलिए मारती है कि कोई बंदा कोई मर्डर करके आ रहा है और वो होटल में छुप रहा है, इसीलिए पुलिस बीच बीच में छापा मारती रहती है, ठीक है। या कोई वैश्यवृत्ति वाला काम चल रहा है, कोई होटल होते हैं होटल की आड़ में वैश्यवृत्ति करते हैं, मतलब धंधा चलाते हैं वैश्यवृत्ति का, तो ये चीज़ बहुत गलत है हमारे समाज के लिए, इसीलिए पुलिस को कोई टिप मिल जाती है, कहीं से कोई सूचना मिल जाती है, तभी वो छापा मारती है, या वो छापा अपने हिसाब से भी मारती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें कुछ गलत होने की आशंका होती है, तो वो मारती रहती है। अगर आप सही हैं तो आपका पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर कोई लड़की 18 से नीचे है और आप उसकी सहमति के साथ भी, उसकी सहमति है फिर भी आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं,
तो भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ये बात मैं अच्छे से आपको बता दूँ, सॉरी अगर मेरी कोई गलती हुई बोलने में, मैं अच्छे से बता दूँ, अगर कोई भी लड़का 18 साल से नीचे की लड़की के साथ सेक्स करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो नाबालिग हो जाती है, ठीक है। इसलिए कोई भी ये ऐसा काम ना करें, ठीक है, जो अनलीगल हो। लीगल अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, ना कोई फंसा सकता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बात अब मैंने बताई कि लीगल राइट्स क्या हैं, लीगल क्या है, आपको होटल में जाना है तो कैसे क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कौन से होटल बेस्ट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन सा होटल बेस्ट रहेगा और कैसे आपको बुक करना है, ठीक है, तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूँगा। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को देखिए और उसके बाद लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सामने जो घंटा का बटन होगा उसको प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मेरी है आए तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। मैं आपको लीगल से संबंधित हर एक जानकारी दूँगा, और चाहे वो टेक्निकल हो लीगल या फिर लीगल, कोई भी एडवाइस लेनी हो मैं आपको दूँगा। मैं आपको अपना नीचे नंबर दे देता हूँ व्हाट्सअप, आप उस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई जानकारी आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दूंगा, या आप मुझसे बात भी कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस पर आपका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।